अगला सवाल क्या है अगला सवाल है अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस ठीक है सारे सिंपल हैं लैंग्वेज को समझना है बस यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज सो अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 2.5 किलोमीटर पर आर आसान है एंड अराइव्स 12 मिनट्स लेट ठीक है तो ये भी आसान सवाल है ठीक है तो सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर ये क्वेश्चन नंबर फोर है एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू ओके क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल ठीक है तो सपोज ये हाउस है और ये अपने हाउस से कहाँ जा रहा है स्कूल जा रहा है ओके नाउ व्हाट आर द कंडीशन गिवन टू यू एट टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर अराइव एट ट्वेल्व मिनट्स लेट सपोज उसका स्कूल सुबह Uh, आठ बजे का है सपोज ठीक है सुबह आठ बजे का है तो फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में जब उसकी स्पीड कितनी थी जब उसकी स्पीड थी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आर ओके जब उस जब उस बॉय की स्पीड थी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आर सो ही अराइव्स ट्वेल्व मिनट्स लेट तो अपने स्कूल वो पहुंचा ट्वेल्व मिनट्स लेट तो कायदे का टाइम तो उसका था आठ बजे का लेकिन वो बारह मिनट लेट पहुंचा उसका मतलब वो पहुंचा होगा आठ बजकर बारह मिनट ओके दिस वाज द फर्स्ट केस नाउ व्हाट इज़ द सेकंड केस ओके अब आपको समझना पड़ेगा सेकंड केस में स्पीड कितने दी है सेकेंड केस में उसने स्पीड बढ़ा दी ओके okay? अब वो क्या कर रहा है अब सेकेंड केस में वो कह रहा है कि नाव अब स्पीड हो गई उसकी फोर किलोमीटर पर आर स्पीड जब उसने बढ़ाई तो वो पंद्रह मिनट पहले स्कूल पहुंच गया तो स्पीड बढ़ाई तो पंद्रह मिनट पहले पहुंच गया स्पीड बढ़ाई कितनी फ़ोर किलोमीटर पर आर तो वो पंद्रह मिनट पहले पहुंच गया मतलब उसे आठ बजे पहुंचना था स्कूल और वो पहुंचेगा सेवन फोर्टी फाइव में ओके सेवन फोर्टी फाइव में अब व्हाट इज द हिंट गिवन इन दिस क्वेश्चन वट यू हैव टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है पहले यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस सपोज हाउस से लेकर स्कूल की डिस्टेंस है डी किलोमीटर तो सो दिस डी यू हैव टू फाइंड ओके और दोनों केसेस में क्या हिंट है द डिफरेंस ऑफ टाइम ओके अगर ये अगर ये टाइम टी वन है और ये टाइम अगर टी टू है तो दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है सात पैतालीस सेवन फोर्टी फाइव में आप फिफ्टी मिनट्स ऐड करोगे तो आठ जाएगा फिफ्टीन में ट्वेल्व मिनट्स और ऐड करोगे तो आठ बजकर बारह मिनट हो जाएंगे तो टोटल ट्वेंटी सेवन मिनट्स का डिफरेंस है ठीक है सत्ताईस मिनट का डिफरेंस है इसका मतलब यहाँ से ये हिंट मिल गया टी वन माइनस टी टू विल गोइंग टू गिव यू ट्वेंटी सेवन मिनट्स ओके बट टेक दिस इन आर वाई क्योंकि टी वन और टी टू की वैल्यू जब मैं निकालूंगा सो आई विल टेक इट इन आर ठीक है फर्स्ट केस में अगर मैं टी वन निकालू फर्स्ट केस में टी वन पहले केस में क्योंकि डिस्टेंस तो डी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस टाइम विल बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड सो टी वन कितना जाएगा सो दिस विल बी डी अपॉन टू पॉइंट फाइव माइनस जाएगा डी अपॉन फोर इज इक्वल टू अब एक चीज ध्यान रखना दिस डी अपॉन टू विल कम इन आर डिस्टेंस वी हैव टेकन इन किलोमीटर स्पीड इज 2.5 किलोमीटर पर किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आर आ जाएगा बट दिस 27 इज इन मिनट्स तो इसको भी हम 27 अपॉन 60 कर देंगे तो ये आर में चेंज हो गया ठीक है बस इसको हमें सॉल्व करना है तो मैं फिर से लिख लेता हूँ डी अपॉन टू पॉइंट फाइव माइनस डी अपॉन फोर इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी और यहाँ से बहुत ईजिली आपका क्या आ जाएगा ठीक है सो टू पॉइंट फाइव होता है सो so फाइव बाई टू लिखोगे तो टू ऊपर चला जाएगा टू डी अपॉन फाइव जाएगा माइनस डी बाई फोर इक्वल टू ट्वेंटी सेवन बाई सिक्सटी विल बी ट्वेंटी और ट्वेंटी है तो फाइव फोर जी ट्वेंटी सो दिस विल बी एट डी माइनस फोर फाइव ज ट्वेंटी माइनस फाइव डी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटी ओके और यहाँ से ट्वेंटी थ्री टाइम्स और थ्री नाइन टाइम्स ओके सो कितना आ गया है दिस इज नथिंग बट एट माइनस फाइव डी सो दिस इज़ नथिंग बट थ्री डी इजिकल टू नाइन और डिस्टेंस कितनी आ गई नाइन बाई थ्री थ्री किलोमीटर्स ओके सो द डिस्टेंस इज थ्री किलोमीटर वेरी इजी द आंसर इज थ्री किलोमीटर